Assalamu alaikum everyone, welcome to Career Camp. I hope you all of you are good. I'm Beena Shahzu, your host, aur aaj hum jin se baat kar rahe hain, his name is Ali Ehtisham and he's the owner of Grandeur Luxury Furniture Company. और ये हमारे डी एच ए में हैं, हम अभी उन्हीं के स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं. एंड ही इज़ ऑल्सो अ फैशन स्टाइलिस्ट, कॉन्टेंट क्रिएटर, और माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल वन, क्योंकि बंदे जो हैं इस चीज़ में बहुत कम हैं. तो आज हम उनसे बात करते हैं इन्हीं दो टॉपिक्स पे, बीइंग अ फर्नीचर डिज़ाइनर और ऑनर ऑफ दिस बिजनेस एंड ऑल्सो बीइंग अ फैशन स्टाइलिस्ट. ठीक है, तो हम बात शुरू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम अली. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? आई एम गुड, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. अच्छा अली, हम शुरू इसी चीज से करेंगे जिससे अभी मैंने बोला है कि यू आर अ बेसिकली यू आर अ फर्नीचर डिजाइनर, करेक्ट, एंड अ फैशन स्टाइलिस्ट. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू हैव टू वेरी, आई थिंक दे आर कंट्रास्टिंग टाइटल्स टू हैव. तो आप मुझे ये बताओ कि सिंस यू आर फ्रॉम दिस जनरेशन, जेन जी आई गेस उसको हम बोलते हैं, है ना? हाँ, मैं मिलेनियम. मिलेनियम, मैंने कहा वही मैं कन्फर्म हूँ, जेन जी तुम्हारे पिछले था ना. तो मिलेनियम जिसे हम कहते हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि हाउ डिड यू स्टार्ट, मतलब हाउ डिड यू गेट इनटू फर्नीचर डिजाइन फील्ड? सबसे पहले तो कि जो आपने दो बातें बोली, ये दो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक बीइंग अ फर्नीचर डिजाइनर एंड अ फैशन स्टाइलिस्ट, बिकॉज़ आई डोंट कंसीडर माय सेल्फ बोथ. लेकिन यस, हाँ, तो ये जर्नी फर्नीचर के अंदर कैसे आया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. आई स्टडीड इन PIFD, व्हिच इज पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन, एंड यू वर माय सीनियर. ठीक है, तो आई वाज ऑलवेज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरा कुछ बहुत ज्यादा कुछ दिल नहीं लगता था काम में, लेकिन हाँ, डिजाइन एंड आर्ट वॉज समथिंग कि आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय ऑल दिस. माय मदर इज एन आर्टिस्ट, तो शुरू से मतलब एक चीज थी कि I was an artist myself. You had an knack for it. I had an knack for it. तो I always wanted to be an artist. And most importantly, I wanted to be famous. मतलब it is quite मतलब बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हाँ, from a very young age, I wanted to be famous. I was a huge fan of Shahrukh Khan. I think everyone is. Yeah, लेकिन I was kind of crazy fan. I wanted to be famous. So when I got into PIFD, I wanted to be a fashion designer. लेकिन मेरा CGPA इतना नहीं था. तो I'll be honest, because अभी हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जो audience है, I want them to know that how all of this started. Yeah. So I got into furniture by choice, because I had fashion के बाद मेरे पास choice थी. तो I said I'll get into furniture. And अजीब सी बात है, जब मैं फर्नीचर के अंदर आया तो मुझे उसका इतना मजा आया, मतलब लाइक वर्किंग विद माय ओन हैंड्स, क्रिएटिंग स्टफ, इट वाज वेरी यू नो सेटिस्फैक्टरी, मतलब जो भी हम काम कर रहे थे. तो दैट्स हाउ आई गेट इनटू फर्नीचर. ओके, सो इट वाज अ रैंडम जर्नी. इट वाज अ रैंडम जर्नी, बट आई वांटेड टू बी अ डिजाइनर इन स्पेसिफिक, या नॉट इन स्पेसिफिकली विद फर्नीचर, मतलब आई गेस मेरी और फर्नीचर की दोस्ती होगी. तो हां, इस तरीके से. तो आई थिंक या ये बहुत, और मेरे ख्याल से तो अब फिर भी आई गेस थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है लोगों को, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी पर्सनली मुझे क्वेश्चन आते थे, सिंस यूर बॉय, आपको शायद ये ना आते हो कि अच्छा फर्नीचर डिजाइनिंग भी कुछ होती है, एंड देन लड़कियां भी फर्नीचर डिजाइनिंग. नहीं नहीं, इट्स नॉट के, डिड यू फेस एनी ऑफ दिस? या या, ऑब्वियसली, मतलब इट्स नॉट के, देखिए फॉर अ बॉय ऑलवेज ज्यादा प्रेशर होता है. हां, तो सबसे एग्जैक्टली, तो पीपल आस्क यू कि यार इसमें क्या स्कोप है. अब वो स्कोप की बात नहीं करते, वो बेसिकली बात कर रहे होते हैं कि कितने पैसे, पैसे ऑब्वियसली, हाउ मच मनी यू थिंक यू आर गोइंग टू मेक. बिकॉज मेरी फैमिली में दे आर डॉक्टर्स, दे आर आर्मी ऑफिशियल्स, एंड सब बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं. और लाइक जो भी बंदा डॉक्टर बनता है वो सारी जिंदगी पढ़ता है. बुकवर्म्स होते हैं. या तो वो क्वेश्चंस बहुत आते थे कि यार कैसे करोगे, हाउ विल यू डू इट. एंड अनफॉर्चुनेटली सीन इस तरह का था कि हमारे शायद लोगों का माइंड सेट ही ये होता है कि यार आप जो पढ़ रहे हैं आपने वो पढ़ के जॉब करनी. जब आप इस माइंड सेट के साथ कोई भी काम करेंगे तो डेफिनेटली आप उधर ही रहेंगे, यू विल बी स्टक देयर फ्रॉम डे वन. मेरे फादर ने भी ये बात मुझे बहुत क्लियर की थी, दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी जॉब. हाँ, फॉर एन एक्सपीरियंस गो फॉर इट. ठीक है, मैं आपको आपके एक्सपीरियंस के लिए आई वुड एनकरेज यू कि आप जॉब करें, लेकिन आप यू आर नॉट गोइंग टू यू नो वर्क फॉर एनी फर्म और एनी कंपनी.
तो आई वॉज क्वाइट श्योर फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज कि यार मैंने अपना काम ही आई हैव टू डू माय ओन थिंग, चाहे वो छोटा है चाहे वो एक बड़े स्केल पे है, आई हैव टू डू माय ओन टू क्लियर दैट नथिंग नो बिजनेस इज स्मॉल, क्योंकि आप जब अपना काम करते हो ना यू हैव द फ्रीडम एंड यू ऑल्सो, मैंने ये लास्ट इंटरव्यू पे भी बात की थी, व्हेन यू डू योर ओन थिंग यू ऑल्सो हैव टू ओन योर मिस्टेक्स, एग्जैक्टली, एंड यू आर द यू आर योर ओन बॉस, यू आर योर ओन एम्प्लॉय. आई थिंक यू हैव टू बी अ बिट मोर रिस्पॉन्सिबल देन बाकियों ने तो भाई चले जाना 5 बजे घड़ी में हो, हमने तो चले, बट यू हैव टू आंसर द कॉल इवन इफ इट्स 11 PM और 1 PM, एक शिपमेंट जा रही है, बंदा आ गया. ये तो हम बात कर रहे हैं, ये तो आज की, अगर इफ आई टेल यू फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड दिस थिंग इट वाज अ वेरी स्मॉल सेटअप एंड आई रिमेम्बर के 25,000 रेंट था उस जगह का एंड इट टुक मी अराउंड 4 months के मैं इतने पैसे निकाल सकूं कि मैं उसका रेंट पे कर सकूं. तो मतलब जिस तरीके से वो सारी जर्नी एक हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड. लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो हमारी ऑडियंस है जो कि अभी डिजाइनर्स हैं या आर्ट्स स्कूल में हैं जो सारे हैं, यार मेहनत करते रहे. अगर आप जल्दी हार मानेंगे तो फिर डेफिनेटली चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी, बट इफ यू विल यू नो आप फर्म रहेंगे अपनी जगह पे, साबित कदम रहेंगे, तो फिर डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क फॉर यू इंशाल्लाह एवेंचुअली. अप्स एंड डाउन्स होते हैं डेफिनेटली, एंड इट इज आई थिंक इट इज गुड टू डू अ जॉब फॉर स्पेसिफिक टाइम, कि आपको एक्सपीरियंस आता है हाउ अ कंपनी रन्स और ये सारा कुछ. ऑब्वियसली आप जिससे माशाल्लाह इतना अच्छा ब्रांड लेके जा रहे हो, तो आपने वो चीज़ें कुछ आपके एक्सपीरियंसेस थे, देन यू सॉ सम पीपल वर्क दिस वे. सो आपने इसी के हवाले से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी कि जब आपने ये स्टार्ट कर लिया, ठीक है, अब नहीं, व्हेन यू ग्रेजुएटेड, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो आई थिंक यू स्टार्टेड योर जर्नी इन एक्टिंग इफ आई एम राइट. यस यस यस. और वो वेरी इंटरेस्टिंग है कि जी नॉट मेनी पीपल नो दैट, बट आई वाज एक्चुअली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग फॉर मी टू नो दैट यू स्टार्टेड योर जर्नी इन अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड. और सिंस द when I was little I also wanted to do something similar to the you media. Wanted to be an actor also. Yeah, like SRK, you know, fans जो होते हैं, तो वही बात है. तो मतलब बड़ी अच्छी बात है. How was that experience? मतलब अगर आप उसको continue नहीं कर रहे हो तो what are the reasons के अब जो बच्चे हैं जिनको वाकई शौक है, ठीक है, वो किसी एक फील्ड में चले गए, बट आई थिंक ये बड़ा प्रैक्टिकल एक चीज है कि आप एक फील्ड में जाते हो बट आप काम कुछ और कर रहे हो, तो ठीक है, तो आप एक्टिंग में गए हो, हाउ डिड दैट हैपन, और फिर वो खत्म हो गया है या इज आपने उधर पॉज किया हुआ है, मतलब व्हाट इज दैट? नहीं, एक्चुअली हम फाइनल ईयर में थे एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू पोस्ट डब स्मैश. अभी तो टिकटॉक का दौर है, बट देयर उस टाइम डब स्मैश आया था या तो आई हैड अ फ्यू फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. तो देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन इमरान who you know messaged me on one of my dub smash. So I said, "Yaar, why don't you try acting? Tum mujhe apni dub smash wagera send karo." To wo randomly I just sent him the videos, and uske baad the next thing I remember is ke he sent me a number and he said ye jo videos aapne dub smash ki thi hain wo aap is number pe send kar dein, and I did. So he was the associate director of he worked for Jio Television. His name was Zaheer. तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार आप ना अपनी जो रॉ पिक्चर्स है ना प्लीज मुझे वो सेंड करें. आई सेंड हिम द पिक्चर्स एंड ही सेड यार अच्छा एक काम करो कल आ जाओ स्क्रीन टेस्टिंग के लिए. अच्छा, तो मैंने कहा मैं तो लाहौर बैठा हूँ, मैं कराची के साथ है, परसों आ जाओ यार कोई बात नहीं. तो आई वेंट टू माई फादर एंड आई सेड के यू नो आई हैव टू गो कराची, एंड मैं इससे पहले कराची नहीं गया था. आई वेंट वंस लेकिन वो भी 2 दिन के लिए, आई केम बैक. ही सेड कराची का करने जाना है, सेड के एक्टिंग है ये. तो वो थोड़ा सा इस चीज पे हो गए कि नहीं यार मुश्किल हुआ ना डाइजेस्ट करना है एकदम, मेरा पुत्र की कर ले क्या चक्कर. मैं वहां पैसे मिलेंगे उसके लिए, यार पैसे मिलेंगे लेकिन फिर भी कर क्या रहे हो बेटा. देन बट देन एज आई टोल्ड यू माय मदर इज एन आर्टिस्ट, तो शी सपोर्टेड मी एंड शी उन्होंने बाबा को मनाया कि नहीं आप भेजे. तो मैं अगले दिन रात को जो है आई वाज इन कराची एंड फिर स्क्रीन टेस्टिंग के लिए गए और बस एक छोटा सा रोल था वो मिल गया एंड आई वर्क देयर फॉर 4 months. देन आई गॉट बैक and then I went again after 2 months. दोबारा से मैं गया, I did another project, then I came back. फिर लाहौर में एक project था, but एक चीज थी, I was
मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेंटली तौर पे एक उस पोजीशन में नहीं था जहां पे मैं दूसरी सिटी अभी जाना चाह रहा था, बिकॉज एज नॉट मेनी ऑफ द गाइज नो बट आई एम फ्रॉम गुजरात, तो आई मूव टू लाहौर बैक इन 2013, इट्स बीन 10 इयर्स नाउ. तो मैं एक और सिटी में नहीं जाना चाह रहा था, एंड फिर आई वॉज in a place in my life where I wanted to get settled, I wanted to get married. So I had this thing ki nahi yaar, I want to be settled right now. And ye jo meri furniture wali journey hai, because maine furniture padha hua tha, so I wanted to, you know, start pursue that. Yeah. And my father was very, you know, is cheez ke andar mujhe baar baar bolte the that you have to do the furniture thing. So bas I started this furniture thing, and I would say that my wife really, you know, helped me in achieving all of this that I had today. I have today. My wife, my children. मतलब वो एक inspiration थे. Not many people know कि लेकिन यार मैं आप सबको बोलूँगा जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई शादियाँ करें और फिर full focus अपना रखें अपने काम पे. Definitely Allah ताला will, you know, help you out. That is a very big blessing अगर आपको ऐसे supportive partner मिल जाए, either you be a girl or a boy. ये तो बात सच है. बट ये बात कि आप इतनी छोटी उम्र में, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट कि आप माशाल्लाह इतना सक्सेसफुली ये रन कर रहे हो, इट इज अ वेरी गुड ब्रांड. आप मुझे ये बताओ कि आप जब इस तरह स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है. कुछ आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, बट सिंस आपका ये बाप दादा का काम नहीं था फर्नीचर का, तो आप जब एक ब्रांड शुरू करते हो, उस तरह की कंपनी शुरू करते हो, आपको कॉन्टेक्ट्स चाहिए होते हैं, जो आपकी क्लाइंटल चाहिए होती है, आप जिनके साथ डीलिंग करोगे, देन यू हैव सप्लाई चेन, आप किन से काम करा रहे हो. ऑब्वियसली यू स्टडीड द सिमिलर मतलब सेम फील्ड, बट उसका एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ डिड यू क्रिएट द टीम और इन चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इसमें एक चीज आपने मिस कर दी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मनी, द इन्वेस्टमेंट. एग्जैक्टली यस. अब देखें मैं आपको बताऊं, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, आई हैड नो इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक विजन था दैट यस आई कैन वर्क, आई कैन वर्क दिस आउट. सबसे पहले तो मार्केट को स्टडी किया, मैं बहुत सी जगहों पर जाता रहा, बहुत से ब्रांड्स देखता रहा, काम देखता रहा, खुद क्योंकि काम कर रहा था और बहुत लो लेवल पे काम कर रहा था, तो मुझे ये हर चीज में पता लगता था कि यार इसकी क्वालिटी बेहतर हो सकती थी अगर पैसा होता, अगर पैसा होता, ये प्रोजेक्ट हम पकड़ सकते थे अगर पैसा होता, ये काम कर सकते थे अगर पैसा. तो मतलब मुझे ये आइडिया हो गया कि यार सारे काम रुक रहे हैं पैसे की वजह से. तो मुझे एक इन्वेस्टर मिले, ही इज फ्रॉम द फैमिली एंड आई ओ हिम एवरीथिंग, डॉक्टर खालिद साहब, ही हेल्प्ड मी. मतलब उन्होंने मुझे in terms of investment, he helped me in terms of, you know, सिखाने के तौर पे. He मतलब उन्होंने मुझे business करना सिखाया, मतलब push दे दिया ना, जो चाहिए होता है किसी को. And उसके बाद फिर ये था कि मैं क्योंकि कश्तियां जला के आया था और मुझे था यार there is no going back, I am going to work now और इस तरीके से ही काम करना, तो बस I did अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं आपको बताऊं, it is not that hard, it is just that if you have a vision, अगर आपका आपकी एक सोच है, आप you want to work, you know me since 2013, right? तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका एक विजन है ना, doesn't matter आपका CGPA क्या है, बस if you are a visionary person, if you know कि आपने काम करना है और आपने कैसे करना है. aesthetics भी अगर मैं कहूं कि मेरे शुरू से बहुत अच्छे थे, नहीं ऐसा नहीं था. That, yeah, I personally feel that. मैं बता छोटे होते सोचती होती थी यार ये ना कैसे डिजाइनर्स होते हैं जो सोचते हैं यार ये जगह है और उनके दिमाग में आइडियाज आ जाते हैं, दिस कुड बी हैप्पी, दिस कुड बी डू, यू कुड दिस, यू कुड दिस, मतलब वो इतना कुछ पता चल जाता है, आप ये पोटेंशियल पता चल जाती है एक स्पेस की, इवन एक प्रोडक्ट की. तो अब जब आप खुद एक उस आते हो उस स्टेज पे कि हाँ यार एक बंदा आया एक नीड लेके और आप उसको इतने सॉल्यूशंस दे देते हो, एक लिस्ट दे देते हो, भाई आपको कौन सा सूट करता है चूज कर लो. तो इस तक आने में ऑब्वियसली ये जर्नी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टेक्स टाइम, लेकिन मैं आपको बट इट हैपेंस, या इट टेक्स टाइम, आप यू हैव टू पुट योर एनर्जी इनटू इट, आपको अपना टाइम देना है. एंड मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू माय फैमिली. मैं सुबह से लेकर रात तक, दिस इज व्हाट माय रूटीन इज, दिस इज व्हाट माय लाइफ इज, लाइक सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 साढ़े 11 बजे तक मैं अपने काम को टाइम देता हूँ, देना पड़ता है यार, एंड देना पड़ता है. आई डू इट बाय चॉइस. द पॉइंट इज, देखें आई हैव माशाल्लाह 2 किड्स एंड दे आर माय एवरीथिंग, आई लव देम टू माय डेथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल द स्टफ दैट आई एम डूइंग इज फॉर देम, ठीक है. तो टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर, आई, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, मतलब आई वर्क 14-15 घंटे डेली के. तो अगर आप इतना काम कर सकते हैं तो
करें, बिकॉज ऑब्वियसली आपको रिटर्न इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देंगे, रिटर्न इन वन वे और अनदर अल्लाह आपको देता है. हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम सक्सेस को सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के तौर पर देखते हैं कि अगर एक बंदा बहुत पैसे वाला तब सक्सेसफुल है. इट इज नॉट लाइक दैट. सक्सेस हर बंदे के लिए डिफरेंट मायने रखती है, आपके लिए डिफरेंट होगी, मेरे लिए डिफरेंट होगी. For me, success, मतलब how I consider myself successful is that I got married at a very early age. Okay, I was 22 when I got married. I am 29 by the way. तो मेरे लिए जो success थी वो ये थी कि मैं अब अपने parents से पैसे नहीं लेता हूँ and अब मैं अपनी wife को अपने बच्चों को खुद support करता हूँ. दूसरा success का level क्या था, now I am able to support my parents. फिर उसके बाद सक्सेस का लेवल जो है वो ये था कि यार अच्छा अब मैंने अपना एक ब्रांड शुरू किया. फिर एक सक्सेस क्या थी मेरे लिए कि आई वांट के ब्रेक इवन पे आ जाए सब कुछ. ऑब्वियसली फिर सक्सेस क्या थी कि प्रॉफिट आ जाए. मतलब ऑब्वियसली छोटे छोटे देयर वर स्मॉलर गोल्स. तो वो चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया. तो I consider myself successful in a way that now that I'm able to support my family, I'm able to support my children, my wife, everybody. Allah Taala ka bahut shukar hai, alhamdulillah, that this is what success is for me. Matlab agar aap usko is hisab se dekhen ki haan mere kab बहुत बड़े प्लॉट्स होंगे या बहुत बड़ी गाड़ियां होंगी तो वो तो शायद सारी जिंदगी चलता रहेगा, चलता रहता है वो तो कभी. बट आई कंसीडर माय सेल्फ सक्सेसफुल कि अल्हम्दुलिल्लाह माय फ्रेंड्स आर विद मी जो कि आज से देयर इन माय टीम. दैट इज माय सक्सेस. वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम पास्ट 5 years 6 years. एंड हालांकि लोग कहते हैं यार जहां दोस्ती होती है उधर काम नहीं होना चाहिए. मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको टीम बिल्डअप करनी है तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लास फेलोज थे वो है फ्रॉम द सेम टीम, आप टीम उनसे बिल्डअप करें. दैट इज व्हाट वर्कड आउट फॉर मी. बट आई थिंक फॉर दैट यू हैव टू नो पीपल एक्चुअली. यू हैव टू एक्चुअली नो देम. एंड देन देखिए मैंने आपको बताया समबडी हैज टू बी विजनरी in your friends. Trust देते हो तो कुछ trust आपके. Exactly. मेरे साथ ये था. Alhamdulillah, I'm very grateful for this. That my friends, you know, they trusted me. वो आज भी मुझ पे बहुत trust करते हैं. मैं उन पे बहुत trust करता हूँ. मेरी टीम में मेरे हम तीन चार दोस्त हैं बेसिकली मुझे मिला के. तीन अलग हैं. आपने देखा है, आप मिली हैं डिजाइन टीम से, प्रोडक्शन टीम में. तो ये वो लोग हैं जिनके ऊपर यू नो आई कैन रिलाई ऑन. एंड आई एम वेरी लकी इस चीज में. That is how you build your team. Exactly. देखिए हर चीज का एक time होता है. अभी हम we are building this team inshallah and we are taking our business to another level. Inshallah in coming times you know when we are a bigger brand हम एक empire inshallah खड़ी करेंगे. तो yeah we have think of it कि यार हाँ फिर all the four friends वो अपने अपने areas में departments को अलग कर लेंगे. क्योंकि सबकी फैमिलीज वगैरह आ जाती हैं, सारे मामलात होते हैं. तो दैट इज हाउ यू वर्क. हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम पहले ही उन चीजों को ट्राई नहीं करते कि जिनका हमने सुना हुआ है कि जी पूरा एक्सपीरियंस. मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा हम ये सुनते हैं, आप भी सुनती होंगी कि नहीं जहाँ पे पैसा आ जाता है वहां प्रॉब्लम. लेकिन कब होते हैं जो आपकी नहीं होती. तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हमारे दरबार नहीं है, कुछ भी नहीं है. हम लोगों का एम काम है. हम काम करते हैं, बहुत काम करते हैं. मैं रात को सोता नहीं हूँ, ठीक है. नॉट बिकॉज कि मुझे नींद नहीं आती, बट बिकॉज मेरा सिर्फ वही टाइम है जो मैं अपने बच्चों को देता हूँ, या मैं थोड़ी देर उनके पास बैठता हूँ, या मैं अकेले टाइम गुजारता हूँ. वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम वर्किंग. तो अल्लाह का बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह. एंड हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं अपनी अब आके सेहत पे भी ध्यान देता हूँ. आई वर्कआउट डेली नो मैटर व्हाट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी सेहत नहीं है तो फिर किसी चीज का कोई फायदा तो कुछ भी नहीं है ना. अभी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. दैट इज ट्रू. अच्छा एक और चीज, जैसे अभी आपने ट्रस्ट की बात की ना, मसला पता है क्या हमारी स्पेशली जनरेशन के साथ और इवन द यंगर जनरेशन, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम ग्रेजुएट होके आ गए, अब हम किसी फर्म पे जाएं, हमें ये सीट दी जाए, ये लो बेटे ये आपका होता है, आप बैठो, आपको कॉफी चाय चाहिए, आपके ये क्लाइंट्स हैं, आप इनको डील करो. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. आप जब तक कंपनी को अपने मोटिवेशन नहीं दिखाते हो, अपनी एफर्ट नहीं दिखाते हो, नो वन विल इन्वेस्ट इन यू. जी डेफिनेटली. इट्स नॉट कि आप नहीं दिखाते, इट इज जस्ट दैट देखें इफ यू आर विलिंग टू वर्क ना, अगर आप काम करना चाहते हैं, अल्टीमेटली आपके जो बॉसेस हैं या जो आपके सीनियर्स हैं वो आप
देखिए अगर वो आपको सिखा रहे हैं ना, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, यही इन्वेस्टमेंट है टाइम, वो अल्टीमेटली इफ दे सी दैट स्पार्क इन यू, वो अल्टीमेटली आपको देखिए इवैल्यूएट कर लेंगे करेक्टली. और अल्लाह ताला हमेशा अपॉर्चुनिटीज थ्रो करता है आप पे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मिलती है. इट इज जस्ट दैट मे बी यू आर नॉट प्रिपेयर्ड उस टाइम पे, मे बी आप इतनी एफर्ट नहीं पुट कर रहे, क्योंकि अगर इफ यू कीप ऑन डूइंग दैट, अगर आप कहीं ना कहीं पे मेहनत कर रहे हैं तो आपको अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने लाइफ का पहला ऑर्डर जो मेरा था, दैट वाज फॉर 1,70,000, 1,70,000 रुपए का. आई वाज सो हैप्पी कि मैंने उस 1,70,000 में से 20,000 की पार्टी थ्रो की. मतलब मैं इससे ज्यादा सक्सेस में क्या मांगू, यू नो, कि अल्लाह ताला ने जहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे आज मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज बिकॉज के अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करूं, रास्ते खोले तो आप उसमें चले ना. हाँ बिल्कुल ऐसी है. अच्छा अब एक और चीज, ठीक है सब कुछ हो गया, अब ये फैशन स्टाइलिंग की अपॉर्चुनिटी, आपने अपॉर्चुनिटी की बात की, वो कैसे हुआ, मतलब हाउ डिड दैट, ऑनेस्टली देयर आर नॉट मेनी मेन वर्किंग एज फैशन इन्फ्लुएंसर्स और जिनकी एक्चुअल में सेंस भी अच्छी हो. थैंक यू सो मच, क्योंकि ऑनेस्टली हाँ दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का शहूर आ रहा है और लोगों को एक्सपोजर मिल रहा है इन चीज़ों का, लड़कियों को तो फिर थोड़ा बहुत पता चल गया है, बट वेन यू टॉक अबाउट फैशन फॉर मैन, उसके क्योंकि उसमें ना इतना स्कोप नहीं होता प्ले करने का, इट्स अ बिट टाइटर देन इट्स फॉर लेडीज. एग्जैक्टली. तो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस और हाउ इट स्टार्टेड और वो उसका बताओ. बेसिकली मैं आपको बताऊं, एज अ आई डोंट कंसीडर मायसेल्फ एज अ फैशन स्टाइलिस्ट, आई वुड से आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, समबडी हु लाइक्स फैशन. I like to experiment with the clothes that I wear. I like to experiment with the looks that I make. ठीक है. एंड ये एकदम से नहीं हुआ, इट हैज़ बिन मतलब फ्रॉम द स्टार्ट, जब से मैं पैदा हूँ. माय फादर वाज अ वेरी फैशनेबल गाय, ही स्टिल इज, मतलब ही वाज सो फॉन्ड ऑफ फैशन, ही वुड आई रिमेंबर कॉपिंग हिम व्हेन यू नो व्हेन ही यूज्ड टू गेट रेडी अपने बाल बनाते हुए या कपड़े अपने वो सेट करते हुए, आई वुड कॉपी हिम. तो अब माशाल्लाह माय सन ही डज द सेम, मतलब यू विल सी हिम ना, तो माशाल्लाह ही सो फॉन्ड ऑफ कपड़े, ही सो फॉन्ड ऑफ जूते, जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक हिज फादर. तो वो चीज स्टार्ट हुई थी शुरू से. 2020 कोविड में जब लॉकडाउन लगा था, एवरीबडी वॉज डिप्रेस्ड और एक बहुत आपको पता है एक खौफ सा फैला हुआ था, वी वर मतलब घर पे कुछ करने के लिए नहीं, आप बाहर भी जाने के नहीं, क्या एग्जैक्टली, आप बाहर नहीं जा सक रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे. तो मैंने वैसे ही अपनी वाइफ से एक दिन बात की, मैंने कहा यार मेरा बहुत दिल करता है मैं फैशन कंटेंट बनाऊं, कुछ है भी नहीं करने को, दो हफ्ते हो गए घर बैठा हूं. बाय द वे दैट वाज द मतलब वो जो कोविड के दिन थे, वो इतना अरसा तो हम कभी घर बैठे ही नहीं है, बैठे इवन जब गर्मियों की छुट्टियां भी थी तब भी इतनी देर घर नहीं बैठते थे, कुछ ना कुछ करते थे. तो बस दैट इज हाउ इट स्टार्टेड, आई यू नो स्टार्टेड मेकिंग कॉम्बिनेशंस के कपड़े किस तरह के होंगे, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट, एंड आई मैंने एक पेज बनाया एंड मैंने उस पे पोस्ट कर दिया स्टाइल बेसिक्स. तो माय वाइफ वाज लाइक यार देख लो, स्टाइल बेसिक्स वाज बेसिकली एक बहुत अरसा पहले स्टाइल बेसिक्स में आई वांटेड टू स्टार्ट माय टी शर्ट कंपनी और उसका नाम आई वांटेड टू नेम इट स्टाइल बेसिक्स. तो लेकिन वो उस तरह से नहीं हुआ, फिर इस तरीके से हो गया. तो दैट इज हाउ दिस स्टार्टेड. अच्छा ठीक है, आपने फैशन स्टाइलिस्ट का इस तरह शुरू कर दिया. फॉर द बिगिनर, मतलब या तो आपके पास वार्डरोब में इतनी ऑप्शंस होना कि आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, और आपने तब इतनी ऑप्शंस आपके पास थी, डिड यू हैव ऑलरेडी हैव बिल्ट योर वार्डरोब लाइक दिस कि आप रोज एक्सपेरिमेंट करो, रोज पोस्ट करो वीडियो, मतलब इसका क्या था, हाउ डिड यू मैनेज दैट? मैं आपको बताऊं, फॉर मेन आपका वार्डरोब कोई बहुत ह्यूज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यू शुड हैव 8-10 आइटम्स एंड आप उनसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. जैसे चले मैं आपको एक छोटी सी बात पैंट्स दैट आई एम वेयरिंग, ये सूट पैंट्स हैं, लेकिन मैंने इस सूट के साथ शायद दो दफा पहनी होंगी, बट आई वेयर दीज पैंट्स बहुत दफा. ठीक है. तो जब मैंने स्टार्ट किया था
देखिए वार्डरोब बनाना एक डिफरेंट चीज है और वार्डरोब में कपड़े होना एक अलग चीज है, मैनेज करना इज डिफरेंट. तो कपड़े तो थे, अब ऑल द स्टफ दैट आई वाज क्रिएटिंग वो सिर्फ वही चीजें थी जो मेरे पास थी एंड मोस्टली मेरे पास बेसिक चीजें थी जैसे व्हाइट टी शर्ट ब्लैक जीन्स ब्लू जीन्स ठीक है व्हाइट स्नीकर्स या ब्राउन लोफर्स ब्लैक लोफर्स बहुत जो नॉर्मली ऑलमोस्ट हर बंदे के पास होती है. तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग थिंग्स मतलब क्रिएटिंग द लुक्स एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग देम एंड दैट्स हाउ ये जर्नी स्टार्ट हुई. लेकिन नाउ व्हेन आई यू नो look at my wardrobe so it's quite versatile matlab I have a lot of different coats different pants different shoes or I because now I create looks and now somehow it has become my work also because not many people know ke ye jo content creation hai that is good also like ye bhi ek artist hi hai ek form of art hai that so is if you are good at it you'll get good money out of it so Now I create looks. I experiment with a lot of looks. मजे की बात है, not many people know my जो मेरी normal wardrobe है, जो कि मैं पहन के office आता हूँ, that is quite different. और जो मेरी वैसे wardrobe है, that is very different. Yeah. But I try that I wear those things. मतलब क्योंकि पहले क्या होता था, मुझे थोड़ा सा शर्म आती थी कि यार लोग क्या कहेंगे. कहेंगे ना, थोड़ा experimental होना पड़ता है क्योंकि बंदे नहीं तो normally या शलवार कमीज पहने या फिर दो तीन colors बस. But you know then I realized कि You know, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. ऐसे ही है. अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे ये सवाल करने लगी जो बड़ा इंटरेस्टिंग शायद हो सकता है कि आजकल बच्चा हर कोई इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहता है, कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहता है और वो डायरेक्टली इस चीज पे जंप कर लेते हैं. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप ये कर भी लेते हो, बट आई थिंक टू हैव अ स्पेसिफिक मतलब एक स्किल होना इसके अलावा भी इज वेरी नेसेसरी. क्योंकि ठीक है अभी इंटरनेट की दुनिया है, अभी ये सब कुछ चल रहा है, अभी अगर ठप हो जाए आप सड़क पे तो खड़े होकर नहीं करोगे ना, आज मैंने ये पहने आज मैंने. सो आपके पास तो है फैशन मतलब ये फर्नीचर डिजाइन में डिग्री भी है, यू हैव योर ओन वर्क. तो आप उन बच्चों को क्या कहोगे कि जिनको लगता है कि भाई ग्लैमर है ये चीज है बहुत चल रहा है हम भी यही करें, तो बच्चे स्टडी में वो फोकस ही नहीं कर रहे हैं, अपने करियर बिल्डिंग में वो फोकस ही नहीं कर रहे हैं, उनको बस ये पता है यूट्यूब चैनल बनाना है ये करना है और हम वी विल बी फेमस फॉर लाइफ. देखिए ये अप्रोच बहुत गलत है, वी विल बी डन फॉर लाइफ मतलब आई डोंट थिंक दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन. नहीं, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन एट ऑल एंड ये अप्रोच बहुत गलत है. लेकिन फिर भी देखिए बच्चे बच्चे हैं. जब इफ आई सी माय सेल्फ व्हेन आई वाज अ किड तो मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था कि Like, I remember my mother asking me that, what do you want to do in life? I remember I was in ninth class, and my number kuch khas achhe nahi aaya tha. So she asked me, what do you want to do in life? And I said, main apna gaadiyon ka showroom banaunga. So she said, paise kahan se aayenge? And mujhe, maine kaha, bas aa jaye. Exactly. Bade, badon ko bhi paas paise hote hain na, mama, kaisi baatein kare. Haan, mera khayal hai, bachchon ko thoda time lagta hai ye seekhte hue. Lekin haan, main ye bata dun, aapke paas ek skill hona chahiye. You should know ke aapne काम करना है, आपने पैसे कमाने. ग्लैमर इज बिकॉज ऑफ मनी, आई एम वेरी सॉरी लेकिन दैट्स ट्रू. अगर आपको ग्लैमर चाहिए तो दैट इज बिकॉज ऑफ मनी एंड आप काम करें, अपने स्किल्स को पॉलिश करें, व्हाटएवर स्किल यू हैव, चाहे इट्स इन सेल्स, चाहे वो कोई हाथ का स्किल है, व्हाटएवर इट इज, मतलब आईटी है, हुनर बहुत जरूरी है. एंड हुनर कभी आपको नहीं छोड़ता है, यू नो, बिल्कुल ऐसे मनी विल गो, काम विल गो, हुनर नहीं जाएगा. तो आप अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं, दैट्स ऑल. क्योंकि पेरेंट्स का ये आई एग्री कि बच्चों का होता है हमें ये शौक है और पेरेंट्स नहीं करने देते हैं, वो आ जाता है कहीं पे. लेकिन पेरेंट्स की कुछ हद तक बात बिल्कुल ठीक होती है. हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमें समझ आया कि नहीं भाई आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. देखें आई एम विद आई एम ऑन द पेरेंट्स साइड टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि वी हैव बीन थ्रू दैट. एग्जैक्टली. और मैं आपको बताऊं पेरेंट्स डोंट वांट टू सी यू लूज. उनके लिए कि मैं चाहूंगा कि वो हमेशा सक्सेसफुल रहे, खुश रहे. तो आई वुड अपने जहन के मुताबिक उनको चीजें सजेस्ट करूंगा कि आप ये कर लो वो कर लो. हाँ लेकिन अगर कोई चीज उनका पैशन है, देखिए पैशन विल अल्टीमेटली फाइंड अ वे. और अगर आपका पैशन जो है वो सिर्फ एक शुगल की हद तक है, it's not a good passion to have. Exactly. हाँ, अगर आपका passion है and you're earning money,
तो फिर किसी को क्या प्रॉब्लम है, नोबडी हैज अ प्रॉब्लम, आपकी नीड्स पूरी होनी चाहिए. तो ये पेरेंट्स के लिए भी है कि वी आर ऑन योर साइड, लेकिन जहां पे आप बच्चे को कह देते हो ना, अगर तो वो सक्सेसफुली उसको लाइफ में लेके जा सकते हैं तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. आपको भी मोटिवेट करना चाहिए. और जो बच्चे हैं जहाँ पे पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं और कहते हैं करो, तो भाई आपको करना चाहिए. आप सिर्फ इस चीज पे नहीं रिलाई कर सकते हो कि हम आजकल इंटरनेट को यूज करके हम अपनी लाइफ बना लेंगे. और मेरे ख्याल से यंगर जनरेशन के लिए लुक मतलब इस चीज पे बात करना कि हमने इंटरनेट पे भी बात कर ली, हमने एक बिजनेस के हवाले से भी जो जो मेरे ख्याल से एक टॉपिक्स होते हैं कि आजकल जो बच्चों को कन्फ्यूजन हो गई है ना, तो वो आई होप कि हमने कुछ हद तक क्लियर की होगी. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर किड्स ऑब्वियसली. एंड आई होप कि हम हेल्प कर सकें बच्चों की, क्योंकि ये हमारा मेन जो है वो यही है कि इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम बच्चों का भी और पेरेंट्स का भी ना ये गलत फहमी दूर कर लें कि आपको जो पसंद है आप वो नहीं कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल. और बच्चों की कि ग्लैमर हो तो भाई सब कुछ है, नहीं मेहनत आपको करनी पड़ती है. तो ये मोटिवेशनल चैनल भी हम इसको लेके जा रहे हैं. थैंक यू सो मच. बहुत खुशी है इस चीज की एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक. ये जो कॉन्टेंट है बनाना खासतौर पर और नई जनरेशन के लिए बच्चों के लिए, दैट इज वेरी वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड यार. जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले, 10 महीने पहले 11 महीने पहले 1 साल पहले नमाज शुरू की, रिलीजन को जानना शुरू किया. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. आप इसको प्लीज़ अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं. एंड प्लीज़ रिलीजन जो है वो मजहब नहीं है, वो दीन है. दीन इज हाउ यू स्पेंड योर लाइफ. तो जब आप दीन को अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो चीजें आपके लिए जल जाती है. बिल्कुल ऐसी है. तो ये बच्चे खैर आजकल ये एक बिल्कुल अलहदा टॉपिक शुरू हो जाता है यार. बट आई जस्ट वांट टू यू नो, लेकिन ये बहुत अच्छा पॉइंट है. अब हमारी एक वीडियो फिक्स हो गई अली के साथ. अब हम इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यंगर जनरेशन की इस पे क्या अप्रोच है, ये बिल्कुल वर्सटाइल और बहुत बड़ा टॉपिक है. तो इंशाल्लाह हम इस पे भी बात करेंगे. एंड आई एग्री टोटली कि आजकल के बच्चे बिल्कुल इस चीज से दूर हो गए हैं. एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव अ कनेक्शन विद योर क्रिएटर, योर गॉड, हूएवर यू बिलीव इन. एज वन ऑब्वियसली वी आर मुस्लिम, वी बिलीव इन अल्लाह एंड एवरीथिंग. सो थैंक यू सो मच अली, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन फ्यूचर. और इंशाल्लाह हम इस पे भी अब एक और एपिसोड बनाएंगे. थैंक यू अली एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग. आई होप कि आपको ये बात हमारी थोड़ी सी डिस्कशन अच्छी लगी होगी और कुछ मोटिवेट किया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे, स्पेशली फॉर द किड्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड. के जैसे हम कहते हैं कि जी बच्चा, हर कोई कहता है हमें यूट्यूब चैनल पर आना है, तो भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप करो. दिस इज योर द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, ठीक है. लेकिन आपके पास कोई स्किल होना आपके पेरेंट्स की बात बिल्कुल ठीक है, आपकी मेहनत आपको करना, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं दुनिया में, ठीक है. और जो रिलीजन पे हमने बात की थी उस पर भी हम दोबारा डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह. वो एक बिल्कुल वो एक अलहदा टॉपिक हो जाता है. और सबसे ज़रूरी पेरेंट्स के लिए भी हम कहेंगे कि जहाँ पर आपके बच्चे का दिल लगता है असल में, और वहाँ पे वो काम कर सकता है. हमारा अभी मकसद ये भी है कि हम आपको हर प्रोफेशन से बंदे से बात करके ये क्लियर करें कि उस शौक को लेकर बच्चा अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, इस दुनिया में अपना मकाम बना सकता है. तो ये मैसेज आपके लिए भी है और बच्चों के लिए भी है कि मेहनत करें और पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें. सो थैंक यू सो मच. टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय.